क्रिप्टो करेंसी यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निजाम, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज के वीडियो में बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि बाइनेंस फ्यूचर में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो कॉइन को किस तरह से सेलेक्ट किया जाए। तो वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इस थ्योरी को अगर समझ लोगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है फ्यूचर ट्रेडिंग में भी। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। मोबाइल एप्लीकेशन पर इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अगर सिस्टम से दूर होते हो तो मोबाइल आपके पास होता ही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास सिस्टम भी नहीं है, तो सिर्फ मोबाइल पर ही ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ मोबाइल एप्लीकेशन पर आना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट का ऑप्शन हमें मिलता है, तो मार्केट के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग पर आपको जाना है। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे ओर से और हमारे चैनल की ओर से आपको लगातार यूनिक कंटेंट दिए जाते हैं। कुछ ऐसी हिडन चीज़ें दी जाती हैं जो छुपी हुई हैं, सामने नहीं आई हैं आप लोगों के सामने। आप चैनल को जाकर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से आपको वो हिडन सीक्रेट्स रिवील्ड किए जाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो यहाँ पर हम फ्यूचर के ऑप्शन में आ गए हैं। यहाँ पर आपको स्पॉट, फ्यूचर, जोन्स, तो हमें बेसिकली यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर के ऑप्शन को आना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर USDM, ये कॉइन M में हमको नहीं जाना है, हमको इस पर जाना है, ठीक है। हमें इसको क्लिक करना है सिंपल। यहाँ पर आपको आपके सामने पूरी फ्यूचर की मार्केट ओपन हो जाती है सीरियल वाइज, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे, स्क्रॉल करके नीचे चले जाओगे तो आपको पूरा यहाँ पर फ्यूचर की मार्केट दिखाई पड़ेगी। कुछ पेयर में बढ़ोतरी है, कुछ पेयर में गिरावट है। आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप समझ नहीं पाते हो, और आप काफ़ी कॉइन्स ऐसे हैं जो साइडवेज कंडीशन में होते हैं, आप उसको नहीं समझ पाते हो, आप उसमें ट्रेड ले लेते हो, तो फिर उसके बाद आप घबराते हो कि लॉस ना हो जाए। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको ये करना है कि 24 चेंज परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल सा इसको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो ये सारे पेयर आ जाएंगे जो अप ट्रेंड में जा रहे हैं, जैसे GTC, USD, ARPA, नियर, लूना, AR, HBAR, 1 इंच, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा जो गेन होगा वो पहले नंबर पे होगा, उसके बाद दूसरे नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर। इस तरह से आप देखोगे तो स्क्रॉल करके देखते चले जाओगे। इस पर जब दोबारा क्लिक करोगे तो आपको जो सबसे ज़्यादा डाउन आया होगा उसकी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जब आप इसको तीसरी बार क्लिक करोगे तो ये एज़ इट इज़ डिफ़ॉल्ट कंडीशन पोजिशन पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं और हमें मालूम है, देखो इतना हमें समझना होगा कि अभी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ है, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? हमें ट्रेंड के साथ चलना है। तो यहाँ पर ट्रेंड हमें बता रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पर ऊपर से 5-6 नंबर पोजिशन तक, जो लगभग 5% से ऊपर तक की ग्रोथ किए हुए है, तो ये हमें बता रही है कि ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। यहाँ पर ले लेता हूँ लूना को, ठीक है, लूना को मैंने लिया। तो लूना को हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ से हमें सेलेक्ट नहीं करना है। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हमें लूना का चार्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। हमें वापस जाना है। यहाँ से वापस जाने के बाद दोस्तों हमें ये फ्यूचर के कॉलम पर आना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके की लिस्ट यहाँ पर खुलेगी। तो यहाँ पर हमें बेसिकली सर्च बार में लूना टाइप कर देना है। ये हमने लूना टाइप कर दिया, लूना का यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो चार्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्रॉस मार्जिन लगा हुआ है, तो हमें सिंपल सा इसको पहले आइसोलेटेड पर कर लेना है, कंफर्म कर देना है। यहाँ से हम अपना लीवरेज सेट कर सकते हैं। लीवरेज यहाँ पर ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा 3x या 4x के आसपास आपको रखना है। यहाँ पर मैं 4x कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4x आ गया। देखो काफ़ी लोग ये करते हैं कि पहले यहाँ पर लीवरेज ज़्यादा सेट होता है और कभी वो किए होते हैं लंबे लीवरेज के साथ, तो वो यहाँ पर छोड़ देते हैं उसको, उसके बाद दोबारा जब ट्रेड लेते हैं तो वो उसी लीवरेज के साथ यहाँ पर लग जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है, यहाँ पर हमें बैलेंस ट्रांसफ़र करना होगा, तो ये येलो कलर के एरो पर हमें क्लिक करना होगा, तो वहाँ से अपना बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्यूचर वॉलेट में, या फ्यूचर वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में भेज सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर बाई का ऑप्शन है, यहाँ पर ये सेल का ऑप्शन है, बेसिकली सबको ही मालूम होगा। और यहाँ तो यहाँ सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हमें यहाँ से इसके चार्ट के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। देखिए सारा प्रोसेस मोबाइल पे बता रहा हूँ, और उसके बाद हमें थोड़ा सा पहले तो उसको डेली चार्ट पर हमें देखना होगा, ठीक है। हम इस तरह से हमने डेली चार्ट खोल लिया, 4 आवर्स चार्ट खोल लिया, बड़ा टाइम फ्रेम, कहने का मतलब बड़ा टाइम फ्रेम। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेटर वगैरह लेने होंगे। अब जैसे यहाँ से हम मूविंग एवरेज को लेंगे और साथ में लेंगे MACD को, तो सबसे पहले हमने MACD को लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक किया।
अब यहाँ से हमें देखिए कितने पीरियड का मूविंग एवरेज चाहिए वो सेटिंग समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस दो लाइंस को क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर्स का कॉलम आ जाता है, यहाँ से हमने इंडिकेटर को क्लिक किया, मूविंग एवरेज हमने लिया है तो मूविंग एवरेज के ऊपर हम गए और यहाँ से पाँच मूविंग एवरेज हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें सिंपल सा 20 पीरियड, 50 पीरियड, 100 पीरियड और 200 पीरियड, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। एक होता है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि आप सिंपल मूविंग एवरेज लो, जिसको MA बोलते हैं या SMA बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको कन्फर्म कर दिया, देखो ये कन्फर्म का बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से हमें इसको कन्फर्म कर देना है, तो ये हमारी सेटिंग सेव हो गई। और उसके अलावा यहाँ पर आप जाकर इसके अपने अनुसार यहाँ पर कलर भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कंफर्म कर दिया हमने, वापस हम आ गए, तो ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पर लगे हुए हैं। अब देखो मूविंग एवरेज यहाँ पर लगे हुए हैं, तो 4 आवर्स पर हम क्या देख रहे हैं कि एक 48 USD से USDT से यहाँ 34 तक प्राइस आया, और प्राइस एक रेंज में है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस एक रेंज में। अब हमने क्या करना है, हमें सिंपल सा देखो यहाँ पर टूल्स भी आपको मिल जाते हैं, इस तरह से आप जाओगे तो यहाँ पर ये ड्राइंग के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में चला जाएगा और इस तरह से आपको चार्ट अच्छे तरीके से भी नज़र आ सकता है। देखो यहाँ पर आपको सिंपल सा ये देखो ये टूल्स बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ये कर लो कि इस तरह से टूल लगा लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना लगाना आ जाएगा, ठीक। यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, इस हाई को हमने पकड़ लिया, देखो ये ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले लेते हैं। अगर आपसे अगर रेक्टेंगल बॉक्स ना लग पा रहा हो तो की बात है। अब देखो कितना बेहतरीन तरीके से हमको चार्ट दिखाई पड़ रहा है कि प्राइस एक रेंज में। अब हमें समझ में आया क्योंकि यहाँ पर दो लाइंस लग गई, तो हमें समझ में आ गया प्राइस एक रेंज में। और उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं, इसको हम कर लेते हैं वर्टिकल कंडीशन में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपने, क्योंकि आपको जब टूल्स यूज़ करने होंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में जाना ही होगा, वो ऑटोमेटिक आपको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में कर देगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। तो 15 मिनट पे हमें क्या दिखाई पड़ा, 15 मिनट पे हमें ये दिखा कि प्राइस ने देखो यहाँ पर बिल्कुल उलझे हुए थे मूविंग एवरेज, और यहाँ पर भी एक तरीके की अगर बॉक्स बनाते तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता, आई बात समझ में। अभी ये क्रिप्टोकरेंसी ट्रेंड में, हमने इसको सेलेक्ट किया है ये ट्रेंड में, देखो यहाँ से ऊपर गई, थोड़ा सा इसने 20 पीरियड पर आकर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गई है, तो या तो 20 पीरियड पर रिटेस्ट करेगी और गिरावट होती है तो फिर ये 50 पीरियड पर रिटेस्ट करेगी और गिरावट होती है तो ये 100 पीरियड पर रिटेस्ट करेगी, या और गिरावट होती है तो ये 200 पीरियड को रिटेस्ट करेगी। अब यहाँ पर मेरे भाई जब ये रिटेस्ट करेगी यहाँ पर आकर, तब हमें अपनी नज़र टिकानी, यानी ट्रेड हमें जब लेना। जैसे कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पर आके प्राइस ने इस मूविंग एवरेज को आकर टेस्ट किया, यहाँ कहीं पर हम एंट्री बनाते हो, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हो सकता था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो वही कंडीशन यहाँ पर हो रही, दोबारा प्राइस नीचे गिर रहा है, तो हमें ये चीज़ पकड़नी है। देखो अच्छा खासा प्राइस यहाँ पर गिर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज जब बुलिश क्रॉसओवर दे रहे हैं ऊपर के साइड, ठीक है, आपको यहाँ पर सेल साइड नहीं जाना है। आप ये सोचो कि ऊपर से प्राइस गिर रहा है, भाई ने बता दिया है तो मैं नीचे शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ तक तो आना ही है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ से भी पुल बैक ले सकता है, 20 पीरियड से भी पुल बैक ले सकता है, 50 पीरियड से पुल बैक ले सकता है, या 100 पीरियड से भी पुल बैक ले सकता है, या बहुत ज़्यादा गिरावट होती है तो 200 से भी पुल बैक ले सकता है। यहाँ पर ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये समझो, शॉर्ट में अगर बोलेंगे कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जब क्रॉस ओवर बनते हैं तो हम एक ट्रेंड में होते हैं, और यही ट्रेंड ईजिली तरीके से हम बाइनेंस के एप्लीकेशन पर जाकर जिस तरीके से मैंने ट्रिक आपको बताई है वहाँ से इसको पकड़ सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर वेट करना है, हमें पहला अपनी नज़र रखनी है 20 पीरियड पर। यहाँ से ये ऊपर पुल बैक के लेता है तो फिर एक हाई को क्रिएट करेगा, जैसे कि यहाँ पर इसने हाई बनाया तो एक हाई यहाँ तक क्रिएट कर सकता है या इसके ऊपर कर सकता है, तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपकी कॉइन सेलेक्ट हो गई, यहाँ से आपको एक ही कॉइन नहीं सेलेक्ट करनी है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, तो एक कॉइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको 4-5 कॉइन्स आपने निकालनी अप ट्रेंड की, मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे ही वहाँ से करेक्शन हमें मिलेगा हम अपनी एंट्री बनाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे। समझना है कि हमने इस पॉइंट तक मार्केट आई, ठीक है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज तक हमने यहाँ पर कहीं पे ट्रेड लिया, उसके थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन देकर नीचे, यानी 20 पीरियड के थोड़ा सा नीचे, कुछ पॉइंट नीचे, वहाँ पर हमने अपने SL को लगा दिया। अगर 50 पीरियड पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमने 50 के नीचे थोड़ा सा SL लगा दिया, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको करना है, और इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पेपर ट्रेडिंग करके देख लेना कि मैन्युअली आपको कागज़ और पेन पर, पेन और पेपर पर आपको सिंपल सा लिखना है कि हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, यहाँ पर बेचा, ये इस तरीके से। उसके बाद उसको देख लेना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके बाद हमें कुछ करना है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। अब मुझको ज़्यादा दो, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।